लोग मेहनत क्यों ना कर ले, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। क्यों कहावत है कि एक आदमी एक घोड़े को पानी के पास ले जा सकता है। घोड़े की लगाम पकड़े आप, यू कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर, कि आप घोड़े को पानी के पास ले गए, एक आदमी लेके चला जाएगा अगर लगाम पकड़ लिया तो। लेकिन अगर 10 आदमी मिल करके चाहे कि घोड़े को पानी पिला दे, नहीं पिला, उसका सर पानी में डुबो दे, वो पानी नहीं पीगा। अगर नहीं अगर आप पानी नहीं पीना चाहना चाहते हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी स्कीम कामयाब नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो कोई न भी रहे तो आप तलाश करेंगे कि पानी का नल कहाँ है, पानी का टैप कहाँ है, या ड्रिंकिंग वाटर की मशीन कहाँ रखी हुई है, या पानी का घड़ा कहाँ रखा हुआ, वहां पर आप पहुंचेंगे, नहीं मिल रहा है तो किसी को पूछेंगे। तो इसी तरह से अगर आपको एजुकेशन हासिल करके टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बनना अगर है और आपने समझ लिया कि मुझे ये बनना है, तो अब आप अपने पड़ोसी से पूछेंगे कि मुझे ये तालीम हासिल करना है, मैं कहाँ तालीम हासिल करूँ। आपके अपने घर वालों से पूछेंगे कि भी मुझे ये इस कोर्स में एडमिशन लेना है, मैं कैसे एडमिशन लूंगा, मैं लूंगी। तो ये जो रियलाइजेशन है अपने एम और गोल और ऑब्जेक्टिव के बारे में, ये रियलाइजेशन होना बहुत ही जरूरी है। और आज हमारे कौम में इसमें बहुत कमी है। तो इसीलिए सुदरतुल मुंतहा वेलफेयर ट्रस्ट ने आज के इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया है, इसका मकसद यही है कि हम पहले अपना जायजा लें, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें, अपना हिसाब करें कि हमारे अंदर कहां कहां कमी है, और उन कमियों को आइडेंटिफाई करें, उनको दूर करने की कोशिश करें और अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लें। जब आप मकसद बना लेंगे तो आपको आपके घर की माली हालत नहीं रोक सकती। यहां बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें मैं भी हूं कि मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से मैंने बीए में एडमिशन लिया तब से लेकर के पीएचडी करने तक घर से मैंने एक पैसा नहीं लिया। क्यों? इसलिए कि जामिया मिलिया इस्लामिया में मेरिट स्कॉलरशिप की एक स्कीम थी, सेंट्रल स्कॉलरशिप की एक स्कीम थी, कुछ इदारे थे जो फाइनेंशियली स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते थे, वो सारी चीजों से मैं फायदा उठाता रहा। क्यों? इसलिए कि इम्तिहान में जो कामयाबी होती है वो कामयाबी अच्छी मिलती है। तो आज भी अगर कोई स्टूडेंट अच्छे तौर पर कामयाबी हासिल कर ले तो बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं कि अगर उनसे फायदा उठा ले तो वो कामयाब हो सकता है। और आखिर में मैंने पीएचडी कहां से की? हिंदुस्तान से नहीं, जर्मनी से। और जर्मनी में पीएचडी करने के लिए माहाना खर्च कम से कम 50,000 रुपए, एकोमोडेशन का फीस लगता है, ट्यूशन फीस लगेगा आपको, फिर आपकी जो जरूरत के अखराजात है उसके अखराजात होंगे। ये सब हमें नहीं लगा कि मेरे लिए बोझ है, इसलिए कि मुझे 50 की जगह 1,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती थी, माहाना स्कॉलरशिप मिलती थी। तो ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जब जो टीचरों ने हमें बताया, जो हमारे असातिज़ा ने बताया, आसपास के दोस्त और अहबाब ने बताया कि अगर ये चीजें तुम कर लो, इस तरह से अगर तुम हासिल कर लो तो तुम्हारे लिए दुनिया वसी है। मेरी एक टीचर ने कहा था, उनका नाम है प्रोफेसर सीमा अलवी, उसने मुझे जब मैं मदरसे से पढ़ करके यूनिवर्सिटी गया था तो उसने मुझको कहा था कि तुम अंग्रेजी में बात क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा कि मदरसे में उतनी अंग्रेजी नहीं सीखा हूं। तो उन्होंने एक लफ्ज बोला था कि इफ यू लर्न इंग्लिश यू विल गो अराउंड द वर्ल्ड, कि अगर तुम अंग्रेजी सीखोगे तो तुम पूरी दुनिया का चक्कर लगाओगे। और मैंने सीखी,
और सीखने के बाद आज हालत यह है कि अल्लाह के फजल करम से और असातिज़ा इकराम की दुआओं से दुनिया के अक्सर ममालिक में सेमिनारों में शिरकत के लिए मैं गया हूँ, वहाँ सेमिनारों में पेपर भी पढ़ा हूँ और दुनिया के अक्सर ममालिक का दौरा किया और मेरे घर वालों ने उसके लिए मुझे एक रुपये तक नहीं दिया। ये भी ध्यान रखिएगा, आज हम रोना रोते हैं ना कि हमारे घर की माली अलग से नहीं, कैसे तालीम हासिल करें, कैसे क्या करें, तो वहां से एक रुपए तक नहीं लिया और पूरी दुनिया घूम ली, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, जापान हो और यूरोपीय यूनियन के अक्सर ममालिक हो, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड, नॉर्वे तक का सफर हो चुका है लेकिन अपने घर से एक पैसा नहीं लगा। इसलिए मैं अपने बच्चों बच्चों और बच्चियों से कहूंगा कि आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग अपनी जिंदगी का एक मकसद मुतय्यन कीजिए, एक एम आप मुतय्यन कीजिए कि आपको उसको अचीव करना है, उसको हासिल करना है। अगर जब आप ये इरादा कर लेंगे या ठोस इरादा कर लेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती। तो इसी तारीफी कलमात के साथ साथ अब मैं चूंकि मॉडरेटर भी इस प्रोग्राम का, तो अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई कर रहा हूँ। तो आप तो सुबह तो इसके बाद ही इस प्रोग्राम को प्रोग्राम की तरतीब के अखबार से डॉक्टर मुशा को बुलाऊं, तो मैं सिद्धुल मंत्र वेलफेयर ट्रस्ट के एक अहम रुख हजरत मौलाना मुशाहिद अहमद रिजवी साहब जो सिद्धुल मंतहा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको मैं दावत दे रहा हूँ कि आए और अपना खुद बे इस्तकबालिया आपके सामने पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। ओ बने गुनाह तो जाएंगे दुनिया हक की ओ सदाए, बने गुनाह तो जाएंगे रब हद ले जाते जाएंगे दुनिया की ओ सदाए, दुनिया गुनाते जाएंगे रब हद ले उम्मत तुरत लगाते जाएंगे, हम गुनाहगारों को रब से हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। और जो शिवरात्रि में हाल की मालिश कर रहा हूँ कि मरकज़े रहमत बनाया मस्कने महबूब को, मरकज़े रहमत बनाया मस्कने महबूब को, फूल जन्नत का दिया है गुलशन महबूब को, नूर का पेकर माशाल्लाह। भी हम सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नमाज शरीफ समाप्त कर रहे थे। प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही हसास मौजू जिसे कहते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए मेहमान
को आपके सामने मधु करने जा रहा हूँ। उनकी खिदमत हम सब अखबारात में देखते रहते हैं कि खासकर सुबह बंगाल में मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल को किस तरह से बेहतर बनाया जाए इसके बारे में हम लोग रिपोर्ट पढ़ते रहते हैं। और जो लोग भी तालीम और तालीमी इदारे से जुड़े हुए हैं, जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, वो उनकी खिदमत का असर भी देख रहे हैं। मेरी मुराद जनाब अफजल शेख मोहम्मद वाइजुल हसन साहब से है। आप बोर्ड मेंबर हैं एजुकेशन काउंसिल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के, और इसी के साथ 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 मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए एजुकेशन के मैदान में क्या किया जा सकता है, हुकूमत को सलाह और मशवरा भी देते हैं और समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी रابطे में हैं, उनसे भी कॉन्टेक्ट में हैं, तो दोनों को एक साथ लेकर कौम मुस्लिम की तालीमी हालत को बेहतर बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको और कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। आइए मैं आप सबके साथ साथ उनकी खिदमत में दावत पेश करता हूँ कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। जनाब जनाब साहब चांद चांद से होता है सितारों से नहीं। मोहब्बत सिर्फ सिद्धतुल मुंतहा वेलफेयर ट्रस्ट होता है, किसी से भी नहीं। क्यों? औजा यही है, इन लोग जैसा काम कर रहे हैं, स्पेशल हम थैंक यू देंगे, शुक्रिया अदा करेंगे हबीब अहमद साहब का, इमाम साहब का, जामा मस्जिद का इमाम साहब है। पहले हम आप लोगों को क्षमा चाहता हूँ, माफ कर दिए हमको, हम हिंदी उतना अच्छा आता नहीं हम, फिर भी इंशाल्लाह हम हिंदी में कोशिश करेंगे हिंदी में बोलने के लिए। अब ना हिंदी में तो हम कुछ बात करेंगे टॉपिक ऊपर में जो इंशाल्लाह जो मेरा हम फ्यूचर का डॉक्टर बैठा हुआ है, फ्यूचर का आईपीएस बैठा हुआ है यहाँ, फ्यूचर का टीचर बैठा हुआ है, फ्यूचर का प्रोफेसर बैठा हुआ है यहाँ, हम तो ऊपर में भी है नीचे में भी है, तो उन लोग के लिए कुछ बात हम बोलेंगे जरूर। उससे पहले बोले जो मेरा शुक्रिया अदा करूंगा जो आज एंकरिंग कर रहे हैं डॉक्टर सज्जाद मिस्त्री साहब का, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं इंशाल्लाह। यहाँ है डॉक्टर अब्दुल बशीर साहब है, मौलाना मोहम्मद फजील मिस्त्री साहब है, मौलाना मोहम्मद आसिम रिजवी साहब भी है यहाँ, जमील अहमद साहब मेरा बगल में बैठे थे, मौलाना आयतुल्लाह का प्रोफेसर है, यहाँ जितना आदमी है सबका नाम ले नहीं पा रहा हूँ। मेरा जो फ्यूचर का जो है यहाँ क्रीम जो बैठा हुआ है इतना खूबसूरत है साहब, ऊपर में भी है, इन लोगों के लिए कुछ बात मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए एक बात याद है, अगर हम लोग हमारा आप लोग सुने होंगे अमोटेशन का नाम सुने, आप लोग जानते हैं है? मेरे स्टूडेंट लोग कहा है, मेरा बहन लोग यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ, जब तुम हम बवाद में करिएगा आप लोग यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोग को ये मैं बोलने आ रहा हूँ, फ्यूचर प्लानिंग गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट आप लोग को लिए क्या सोचते, आप लोग बात करेंगे तो हम लोग चल जाएंगे, फायदा नहीं है कुछ। जो इस इसलिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं छोड़ के गेस्ट बन के यहाँ, आप लोग के लिए मैं बोलूंगा, तो अगर आप लोग नहीं सुनेंगे गुफ्तगू करेंगे आप बोलना, तो फायदा क्या है मेरा, कोई फायदा नहीं है, ये डिसिप्लिन नहीं है। स्कूल में क्या सिखाया जाता है, स्कूल में आप लोग क्या सीखते हैं आप लोग, तो इसलिए बोल रहे प्लीज खामोशी से बैठे, आप लोग का फायदा होगा, मेरा फायदा नहीं होगा। आप लोग यहाँ मेरा जब खत्म होगा इंशाल्लाह, आप लोग कुछ लेके जाइए घर में इंशाल्लाह, तो इसलिए आप लोग बहुत खामोशी से बैठे थे, बात सुनिए, ये भी एक डिसिप्लिन है, इसको सीखना बहुत जरूरी है, तो हमसे बात आप लोग अमोटेशन का नाम कौन सुने, हमसे हाथ उठाए तो अमोटेशन का नाम सुने आप लोग, बड़ा इकोनॉमिक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी के डॉक्टर को नोबेल प्राइज मिला है,
तो इतना बड़ा स्कॉलर है, हम लोग का बंगाल का शान है, बंगाल का गर्व है। अमर तेन हाफ टाइम बोलता है अर्जुन, हम बंगाल का संख्या लोगों मुस्लिम के बारे में सोचते हैं, माइनॉरिटी के बारे में सोचते हैं, उन लोग के एजुकेशन के लिए हम सोचता है, कह सकते उन लोग को एजुकेशन मिलकर अगर अच्छे जगह में आए। ए, एक बात हमको बोल रहे, हम लोग हिस्ट्री कांग्रेस हुआ था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 2000 में, जमीन सबको जरूर पता होगा, ऑल इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस जो होता है हम लोग का, हुआ तो मिलने में।